नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5M जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के लखना गांव में प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो समुदाय आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। वही पत्थरबाजी शुरू होने के बाद स्थिति बिगड़ती देख पुलिस की ओर से भी बचाव के लिए लाठियां भांजी गई। पत्थरबाजी में दोनों पक्ष के कई लोगों को चोटें आई, जबकि दोनों पक्ष के 3 लोग रांची रेफर किए गए। पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी की पहल पर देर रात 2 शर्त के आधार पर प्रतिमा का विसर्जन हुआ। आपको बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 10 घंटे तक माता की प्रतिमा को विसर्जन करने से रोका। माता की प्रतिमा को रोके जाने की जानकारी जैसे ही लोगों को हुई, लोग आक्रोशित हो गए। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग भी अपने बस्ती से माता की प्रतिमा को विसर्जन नहीं होने देने के लिए अड़े हुए थे। माहौल बिगड़ता देख भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इसके बाद तो अचानक पत्थरबाजी शुरू हुई। इस पत्थरबाजी की घटना में 1 दर्जन से ऊपर लोगों को चोट लगी, जिसके बाद माहौल और बिगड़ गया। स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक बीजेपी नेता सत्येंद्रनाथ तिवारी ने गांव पहुंचकर एक पहल की। इस पहल में मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के 5-5 लोग बैठकर शर्त के आधार पर माहौल शांत करने के लिए राजी हुए, जिसमें अब विवादित सरकारी रास्ते से होकर ना तो कभी प्रतिमा का विसर्जन होगा और ना ही ताजिया या सिफर जाएगी। मौके पर पूर्व विधायक ने कहा कि प्रतिमा विसर्जन में रास्ता को लेकर विवाद था, जिसे दोनों पक्ष के लोगों ने आपसी सहमति से निपटा लिया। कुछ बाहरी लोगों का इस गांव में जमाव हो गया था, उन्होंने ही इस गांव में आपसी भाईचारगी को खराब किया। वहीं डीसी ने कहा कि लिखित सहमति अभी बनाई गई है, ये दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर किया है, फिर हाथ मिलाया है। यही खूबसूरती है कि यहाँ सब एकजुट होकर रहते हैं। SP दीपक पांडे ने कहा कि प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो समुदायों में तनाव था, अब शांत हो गया है। जो भी दोषी होंगे उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। कुछ देर पहले एक विवाद विसर्जन को लेकर के हुआ था, लेकिन गांव के लोगों द्वारा बैठ करके और मिल करके उसको सुलझा लिया गया है, और जो निर्णय इन लोगों द्वारा आपसी सहमति से मान्य हुआ है उसको हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें ऐसा कुछ पता चला है कि कुछ बाहरी लोग आकर के यहाँ पर माहौल को खराब किया है, डिस्टर्ब किया है, तो उन लोगों को चिन्हित करने का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये सारा कुछ बाहरी तत्वों द्वारा या न्यूसेंस फैलाया गया, स्थिति को जबरदस्त भ्रामक बनाया गया। ये लखना के दोनों समुदाय के लोग सैकड़ों वर्षों से एक साथ आपस में रहते हैं।